Realme 13 Pro सीरीज फाइनली लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर आते हैं दो स्मार्टफोन, Realme 13 Pro एंड Realme 13 Pro Plus। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 13 Pro Plus स्मार्टफोन के बारे में, जिसकी प्राइसिंग शुरू होती है 29,999 से और इसका बेस वेरियंट शुरू होता है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ। और अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है स्मार्टफोन के अंदर, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन से। सो इसके अंदर आता है टिपिकल Realme वाला डिजाइन, जहां पे आपको बैक में मिलता है सर्कुलर कैमरा का सेटअप और इसका फ्रेम और बॉडी पूरा प्लास्टिक का है और ये आता है दो कलर वेरिएंट के अंदर। और पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो इसके अंदर आता है USB टाइप सी, सिम कार्ड ट्रे, नॉइस कैंसिलेशन माइक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, बट इसके अंदर आयर ब्लास्टर नहीं मिलता आपको। और स्मार्टफोन काफी लाइट वेट भी है, 190 ग्राम्स का। इनफैक्ट इसके अंदर आती है 5200 mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को। एंड इसका जो डिस्प्ले है वो कर्व्ड है और इसके अंदर आता है 6.67 इंचेस का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 2000 nits की पीक ब्राइटनेस, 600 nits की टिपिकल ब्राइटनेस, बट इसके अंदर HDR का भी सपोर्ट नहीं आता, बट फ्यूचर के अंदर शायद अपडेट के थ्रू उसको दे सकते हैं। बाय द वे कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर आता है Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 9 5G के बैंड मिल जाते हैं आपको, बट इसके अंदर NFC नहीं मिलता। तो इसके अंदर भी सेम चिपसेट आता है जो कि यूज हुआ था Realme 12 सीरीज के अंदर, जो कि है Snapdragon का 7S Gen 2 वाला चिपसेट, जो कि बेस्ड है 4nm की टेक्नोलॉजी पे। एंड इसके अंदर आती है LPDDR4S की रैम टाइप एंड UFS 3.1। बाकी इसका जो चिपसेट है वो बिल्कुल सेम है पिछली वाली जनरेशन का जैसे, एंड गेमिंग के अंदर आपको 60fps तक आउटपुट दे देगा आराम से BGMI वगैरह के अंदर। और इसके अंदर AI के फीचर्स ऐड कर दिए जो कि आपको फोटोज के मामले में ज्यादा दिखाई देगा, जैसे कि ब्लर इमेज को साफ करना, इमेज एनहेंसर वगैरह। एंड इसके अंदर आता है Realme UI 5 जो कि बेस्ड है Android 14 में। एंड इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 ईयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट, और सेंसर्स वगैरह भी सारे मिल जाते हैं इसके अंदर। और सिक्योरिटी के लिए इसके अंदर आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक। और अब बात करते हैं इसके कैमरा की, जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। सो इसके अंदर आता है ट्रिपल कैमरा का सेटअप, 50+50+8 megapixels का। एंड इसका जो मेन कैमरा है उसके अंदर आता है OIS एंड इसके अंदर यूज्ड हुआ है सोनी का LYT701 वाला सेंसर। और फ्रंट में इसमें मिलता है 32 megapixel का सेल्फी सेंसर और वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो 4K 30fps में रियर और फ्रंट दोनों ही साइड से, इसलिए इसकी इमेजेस काफी अच्छी निकल के आती है। सो अगर आपको 30,000 रुपीज के अंदर एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, सो Realme 13 Pro Plus आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी। अगर इसके प्रोसेसर को थोड़ा अपग्रेड करके दे देते इसकी पिछली वाली जनरेशन से, तो इसकी जो वैल्यू वो और ज्यादा बढ़ जाती। खैर, इसकी अभी की परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी आती है एंड इसमें मेनली फोकस किया गया है इसके डिस्प्ले और कैमरास में। तो अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको मिल जाए बेस्ट कैमरास, एक अच्छा डिस्प्ले, एक बड़ी बैटरी और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो, सो Realme 13 Pro Plus आपका एक चॉइस बन सकता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।